हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और टाइप के साइबर क्राइम्स की बात करेंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कंप्यूटर हैकिंग। तो देखिए, कंप्यूटर हैकिंग क्या होता है कि इसमें जो हैकर है, फर्स्ट वी राइट कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग में क्या होता है कि इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ मॉडिफाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू एकॉम्प्लिश ए गोल आउटसाइड द क्रिएटर्स ओरिजिनल पर्पस। मतलब कि जो भी क्रिएटर है उसका जो ओरिजिनल पर्पस है उससे भी बियॉन्ड जाके कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना। द पर्पस ऑफ हैकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम मे वेरी फ्रॉम सिंपली डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द टेक्निकल एबिलिटी टू सीलिंग मॉडिफाइंग और डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन। तो कंप्यूटर हैकिंग का जो पर्पस होता है या कंप्यूटर हैकिंग क्यों की जाती है, तो उसका जो पर्पस है वो काफ़ी उसका वाइड स्कोप होता है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम की जैसे केवल अपनी टेक्निकल एबिलिटी शो करने के लिए कि हाँ भाई हम जो है तुम्हारा कंप्यूटर या ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क का कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, वो शो करना। और दूसरा क्या होता है कि नहीं, पर्पसफुली हैकिंग की जाती है कुछ इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए, सील करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसके में भी कई रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है सोशल रीजन की वजह से, हो सकता है इकोनॉमिक रीजन की वजह से, हो सकता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से। तो इट ऑल डिपेंड्स। अब इसमें क्या होता है कि नाउ द कॉर्पोरेट आर हायरिंग हैकर्स। तो अब क्या होता है, आज के समय में कंपनियां क्या कर रही हैं, कंपनियां जो स्पेशली ट्रेंड पर्सन हैं, जिन्हें कंप्यूटर जो कंप्यूटर हैकिंग में एक्सपर्ट हैं, दे आर कॉल्ड हैकर्स। तो जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो क्या करती हैं, वो हैकर्स को हायर कर रही हैं। ठीक है, ए पर्सन हु इज इंगेज इन हैकिंग कंप्यूटर, दे आर दैट पर्सन इज कॉल्ड हैकर। एंड कॉर्पोरेट्स आर हायरिंग हैकर्स टू इंटेंसली हैक द कंप्यूटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड एंड फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तो अब कॉरपोरेट कंपनीज क्या करती हैं, वो हैकर्स को पर्पसफुली हायर कर रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को और उसकी सिक्योरिटी को फिक्स करने के लिए। ठीक, अब जो हैकर्स होते हैं देखिए वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हैकर्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो जैसे पहला हो गया आपका व्हाइट हैट हैकर्स। ये क्या होते हैं कि व्हाइट हैट हैकर्स आर द पर्सन्स हु हैक द सिस्टम टू फाइंड द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज ऑफ ए सिस्टम एंड नोटिफाई टू द ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट ए प्रिवेंटिव एक्शन कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड हैकर्स। तो व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो देखिए, वो एक तरह से उनका काम क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को और मजबूत करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स लगे हैं उनको चेक करते हैं, हैक करते हैं, और हैक करने के बाद जो है वो नोटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई अभी भी यहाँ पे ये फ्लॉ या ये लूप होल है या यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ ये प्रॉब्लम है, और आप जो है कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को, नेटवर्क की सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रांग कीजिए। ठीक, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स मे बी पेड एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज एम्प्लॉयड टू फाइंड द सिक्योरिटी लूप होल्स, और मे बी ए फ्रीलांसर हु जस्ट वॉन्ट्स टू प्रूव हिज मेंटल इन दिस फील्ड। दे आर पॉपुलर नोन एज एथिकल हैकर्स। तो चूंकि ये एक तरह से सही काम करते हैं, एक तरह से जो जो भी फ्लॉज हैं सिस्टम में उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो वाइट हैट हैकर्स को एथिकल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एथिकल हैकर्स। ठीक, अब आ जाइए आप सेकेंड टाइप पे, दे आर कॉल्ड ब्लैक हैट। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं कि ये वाइट हैट के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। मतलब इन कंट्रास्ट टू द व्हाइट हैट, द ब्लैक हैट हैक द सिस्टम विद
इल इंटेंशन। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो सिस्टम को, ये इसके लिए नहीं हैक करते हैं कि वो सिस्टम को नोटिफाई कर दें कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसको और स्ट्रांग कीजिए सिक्योरिटी को। ये बुरी नीयत से, खराब इंटेंशन से, इल इंटेंशन से सिस्टम को हैक करते हैं। दे मे हैक द सिस्टम फॉर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली मोटिवेटेड इंटेंशंस। दे फाइंड द सिक्योरिटी लूप होल्स ऑफ द सिस्टम एंड कीप द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स एंड एक्सप्लॉयट द सिस्टम फॉर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स टिल ऑर्गेनाइजेशन हुज सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज इज अवेयर ऑफ दिस। तो ये हैकर क्या करते हैं कि ये सिस्टम को हैक कर लेते हैं और तब तक उससे फायदा उठाते रहते हैं इस लूप होल का, जब तक कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पता ना चल जाए कि हमारा सिस्टम हैक हो गया है। और जैसे ही पता चलता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई कर देता है। ठीक, तो इस तरह से, इस तरह के जो हैकर होते हैं दे आर कॉल्ड क्रैकर्स, दे आर कॉल्ड क्रैकर्स। मतलब ये सिस्टम को हैक करके अपना उसका तब तक फायदा उठाते रहते हैं जब तक कि ओनर ऑर्गेनाइजेशन को पता ना चल जाए। जब ओनर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम हैक हुआ है, फिर वो जो भी सिक्योरिटी पैचेस है वो प्रोवाइड करता है, तो फिर इनका काम रुक जाता है। ठीक, तो दे आर कॉल्ड क्रैकर्स। थर्ड टाइप के जो हैकर होते हैं दे आर ग्रे हैट, ग्रे हैट। ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स फाइंड आउट द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड रिपोर्ट टू द साइट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑफर द फिक्स ऑफ द सिक्योरिटी बग फॉर ए कंसल्टेंसी फी। अब देखिए ग्रे हैट क्या होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये किसी भी नेटवर्क या सिस्टम के या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हैक करते हैं और हैक करने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है कि भाई आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपका सिस्टम हैक हो जा रहा है और मेरे पास इसको फिक्स करने का ये सिक्योरिटी बग्स है और मेरी इतनी फीस है। तो दे आर कॉल्ड ग्रे हैट। दे ऑफर दियर सर्विसेज टू अवॉइड हैकिंग। ये हो गया ग्रे हैट। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज ब्लू हैट। ब्लू हैट जो इसके हैकर होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ए ब्लू हैट हैकर इज समवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से ए ब्लू हैट हैकर इज समवन आउटसाइड कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म्स हु इज यूज्ड टू बग टेस्ट ए सिस्टम प्रायर टू इट्स लॉन्च लुकिंग फॉर एक्सप्लॉइट्स सो दे कैन बी क्लोज। तो ब्लू हैट जो होता है ये किसी भी सिस्टम को लॉन्च से पहले, प्रायर टू लॉन्च ही उसको, उसका बग टेस्ट करता है, उसका सिक्योरिटी टेस्ट करता है। ठीक है, और अगर उसमें कोई फ्लॉज है, कोई अभी भी सिक्योरिटी लूप होल है, तो उसको दूर करवा देता है। और जो भी मान लीजिए लॉन्च के बाद सिस्टम के एक्सप्लॉयट होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको ये अपने एंड से सिस्टम के लॉन्च होने से पहले ही दूर करा देता है। तो देखिए कंप्यूटर हैकिंग क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा, और टाइप ऑफ जो जो प्रोफेशनल पर्सन हैकिंग करते हैं दे आर कॉल्ड हैकर्स। और हैकर को क्लासिफाई किया गया इन चार कैटेगरीज में डिपेंडिंग अपॉन दियर वर्किंग, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और ब्लू हैट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया कंप्यूटर हैकिंग। कुछ और तरह के जो साइबर क्राइम है वो भी नेक्स्ट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट है आपका, जैसे ये तुम्हारी कंप्यूटर हैकिंग हो गया, फिर हमने कहा क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वायरसेस ओवर इंटरनेट, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वायरसेस ओवर इंटरनेट। तो ये भी देखिए ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है कि आप वायरसेस क्रिएट कर रहे हैं और उसको इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वायरस क्या होते हैं आपको मालूम है कि वायरस
कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता, दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट कोड या दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो अब उस तरह के प्रोग्राम बना के कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि द स्प्रेडिंग ऑफ एन वायरस कैन कॉज बिजनेस एंड फाइनेंशियल लॉस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। द लॉस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द सिस्टम, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग डाउन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में वायरस आ जाता है या उसका सिस्टम किसी तरह से काम करना बंद कर देता है वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से जो भी लॉस होता है, अब चाहे वो आपका रिपेयरिंग की जो कॉस्टिंग हुई वो भी लॉस हुआ, ठीक है। जब तक सिस्टम मान लीजिए इन्फेक्टेड रहा तब तक जो हमारा बिजनेस डाउन हुआ वो भी कॉस्ट जो है लॉस में आ गया, और जो ड्यूरिंग द डाउन टाइम जो भी हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई वो भी लॉस में आ गया। तो अगर आप सिस्टम किसी के भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में वायरस आ जाएगा या सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा तो इस तरह के लॉसेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिएट करना वायरस को और इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ साइबर क्राइम। द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्यू द हैकर इफ फाउंड फॉर द सम ऑफ मोर देन और इक्वलेंट टू द लॉस बॉर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल गया या उसने फाइंड आउट कर लिया, उसने ट्रैक कर लिया कि किसने सिस्टम को हैक किया है या हु इज द हैकर, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उस हैकर को इन द कोर्ट ऑफ लॉ स्यू कर सकती है कि जो भी हमारा लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। अभी कुछ और साइबर क्राइम जो होते हैं जैसे स्पैमिंग है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ऑनलाइन ऑक्शन फ्रॉड है, अभी कुछ और साइबर क्राइम रह गए हैं, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हैकिंग क्या होती है, हैकर्स क्या होते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।